आपको प्लॉट दिखाने से पहले ये चीजें दिखाऊंगा जो कोई नहीं करता लखनऊ में। ये पूरा प्लॉट के अंदर में जहाँ पे डेवलप किया गया उसके अंदर में एक अलग सा स्पेस छोड़ के और भगवान का यहाँ पे घर बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है। भगवान को सबसे पहले स्थापित किया गया है। जब घर बेच रहे हैं यहाँ पे, जमीनें बेच रहे हैं, उससे पहले लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। इन चीजों पे लोग, बहुत सारे लोग सोचता है कि भाई ये जो हमारा मंदिर में देंगे इस पे आज लाखों में इसको बेच सकते हैं। ये पूरा ग्लास से इसको ये किया गया है ताकि पंचमुखी दक्षिण मुखी धूल मिट्टी ना जाए यहाँ पे जो भी होंगे। और ये पंचमुखी हनुमान मंदिर, यहाँ पे देख सकते हैं हनुमान जी को यहाँ पे विराज रहे हैं। और तो न्यू ईयर का क्या ऑफर कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए? 10% आपके सब्सक्राइबर के लिए ऑफर हम लोग देते ही है। इसके अलावा 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। टोटल हम लोग 35% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसमें से मैं बता देता हूँ कैसे कैसे मिल रहा है। हम लोग 15% सभी के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं सर। इसके अलावा 10% का डिस्काउंट आपके चैनल के सब्सक्राइबर के लिए रहेगा और बाकी 10% का डिस्काउंट स्पेशल हमने आरबी पर्संस के लिए दे रहे हैं। इस रेट में कोई बिल्डर नहीं दे सकता, दावा ठोकते हैं सर इस बात। बाकी यहाँ बोर्ड देख सकते हैं, जिला पंचायत स्वीकृत, मतलब ये अप्रूव्ड जमीन है जिला पंचायत से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस एक नए वीडियो में। अभी हम लोग लखनऊ में पीछे देख रहे होंगे रायबरेली वाला हाईवे पे हम लोग हैं। ये जो पीजीआई लखनऊ पीजीआई के सामने से जो रायबरेली की तरफ हाईवे जाती है, हम लोग उस हाईवे पे हैं। और यहाँ पे इस रोड पे हम आपको एक बहुत बढ़िया प्लॉट आज दिखाने वाले हैं। हमेशा आपने देखा होगा मैं हमेशा प्राइम लोकेशन पे भी वीडियो दिखाता हूँ और बहुत सारे ऐसा भी है कि जो सस्ता रेट के हिसाब से भी मैंने वीडियो दिखाया है। तो आज ये हाईवे से लगी हुई और ये सरकारी रोड है, पहले से ऑलरेडी रोड डेवलप किया हुआ सरकार द्वारा बनाया गया रोड है। बाकी आगे 40 फीट की रोड है। हाँ, आगे 40 फीट, ये भी चौड़ी 40 फीट है, 40 फीट है पूरा रोड। ये देख सकते हैं सरकारी रोड है, ये नहीं कि भाई ये लोग इन लोगों ने डेवलप किया है। और इस रोड पे ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री से लगे हुए ये पूरा प्लॉट होने वाला है। आपको प्लॉट दिखाने से पहले ये चीजें दिखाऊंगा जो कोई नहीं करता लखनऊ में। ये पूरा प्लॉट के अंदर में जहाँ पे डेवलप किया गया उसके अंदर में एक अलग सा स्पेस छोड़ के और भगवान का यहाँ पे घर बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है। भगवान को सबसे पहले स्थापित किया गया है। जब घर बेच रहे हैं यहाँ पे, जमीनें बेच रहे हैं, उससे पहले लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। इन चीजों पे लोग, बहुत सारे लोग सोचता है कि भाई ये जो हमारा मंदिर में देंगे इस पे आज लाखों में इसको बेच सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से रहा होगा ये पेड़, उसको बढ़िया से उसको नहीं काटा गया, उसको नहीं अलग डिस्टर्ब किया गया, उसको चबूतरा बना के ये बरम बाबा जैसे एक स्थान बना दिया गया। पूरा ये फर्श देखें एक बार ना, पेपर ब्लॉक लगा के, और इस मंदिर की खूबसूरती देखें। छोटा सा है लेकिन एक बेजोड़ यहाँ पे सुकून मिलेगा जब भी आप आसपास में घर बनाएंगे। ये देख सकते हैं फाउंटेन है, घास लगा दिया गया, फूल लगा दिया गया। ये पूरा एरिया आप सब आप खुद देखिए, इतने एरिए में दो मकाने तो आराम से बन सकती थी। सर, इसको अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर चाहेगा कि भाई इसको आराम से दो लोगों को बेच देंगे, हमें तो यहाँ रहना नहीं है, हम क्यों इसको डेवलप करें। लेकिन पद्मजा ग्रुप में मैंने देखा है स्विमिंग पूल उसके साथ, मतलब स्विमिंग पूल भी है और वो छठ घाट में भी, मतलब छठ पूजा वहां पे कर सकते हैं। और बाग बगल में मंदिर बनाया जाए, सब जगह सारी प्लॉटों में है, सारे जितने भी इन लोगों ने डेवलप किया है और सब भगवान के नाम से ही है। जी, जी, ये कौन सा साइट है? ये सर आशीर्वाद हनुमंत बिहार है, हनुमंत बिहार है। सारे इनकी जितनी भी साइटें हैं रायबरेली पे, सारा इन्हीं लोगों का साइट है, तो रायबरेली हाईवे पे। जी, जी। और सबका कलर ऐसे ही, यही कलर दिखेगा और हर जगह मंदिर। ये देखें एक बार, अंदर दिखाते हैं हम आपको। ये पूरा ग्लास से इसको ये किया गया है ताकि पंचमुखी दक्षिण मुखी धूल मिट्टी ना जाए यहाँ पे जो भी होंगे। और ये पंचमुखी हनुमान मंदिर, यहाँ पे देख सकते हैं हनुमान जी को यहाँ पे विराज रहे हैं। और इसके बाद से आपको पूरा मंदिर का दर्शन कराने के बाद आपको पूरा प्लॉट दिखाते हैं। आप बाहर आइए, पूरा यहाँ के मंदिर की खूबसूरती आपने देखा। अब ये कॉलोनी की खूबसूरती भी, जब घर बन के तैयार होगा यहाँ पे तो किस तरह का होगा ये देख सकते हैं। हरियाली पूरा रोडों पे, फूल पौधे सारे लगाए गए हैं, सभी जगह सीवर इंस्टॉल कर दिया गया। क्या क्या सुविधाएं मिलेगी यहाँ पे, आप थोड़ा सा सब चीजें बताएं यहाँ के बारे में। यहाँ पर सभी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। ये साइट हमारी जिला पंचायत से अप्रूव्ड है और यहाँ पर सीवर लाइन हम लोगों ने डाल दिया है। सभी रोडे बनकर तैयार हो गई हैं, ग्रीनरी प्रॉपर मेंटेन करके दे रहे हैं, मंदिर दे रहे हैं, पार्क दे रहे हैं, ये सारी चीजें दे रहे हैं। रोड की चौड़ाई आप खुद देख सकते हैं, रोड हमारे देखिए, ये सारी चीजें हम घर बैठे इन्फॉर्मेशन इनसे लेके आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं भाई लखनऊ में यहाँ पे जाएंगे ये रेट में आपको प्लॉट मिलेगा, आप चाहें तो खरीद सकते हैं, कंपनी के लोग ये हैं। यहाँ आने से यही चीजें होता है कि ये सारी चीजें आपको दिखा सके हम खुद विजिट करके, क्योंकि सारे लोग आ नहीं सकते। वीडियो देखेंगे आप, आपको पसंद आया तब आप आ सकते हैं, सारी तो वो चीजें हम दिखा सके यहाँ पे पहुंच के। रोड देख लिया आपने, लिंक रोडे देख सकते हैं। लिंक रोड कितना है? सभी 30 फीट है। 30 फीट, 30 फीट से कम इसमें रोड है ही नहीं सर। मेन रोड आपकी 45 फीट पे है। ये जो आप देख रहे हैं सर, ये
ये देखा है, जो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं इसी साइट का फेज टू ला रहे हैं, लगभग 85 बीघे का है वो, और ये हमारा 18 बीघे था जो लगभग सोल्ड आउट हो गया। यहाँ पर भी कुछ प्लॉट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो नई साइट अभी हम लोग ला रहे हैं इसका फेज टू, उसके से 100 मीटर के इसी से लगा हुआ है, चल के आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे जिला पंचायत अप्रूवल का ये। अच्छा, यहाँ पे आ जाए जी। देखिए, शहर में जब जमीनें शहर के बीचों बीच लेते हैं जी, करोड़ों, बहुत महंगी जमीनें, ऐसा नहीं कि भाई लखनऊ में सस्ती जमीनें हैं, आपको 1100 रुपया 1500 रुपया हम 2000 रुपये दिखा रहे हैं, नहीं है, शहर के बीचों बीच जाएंगे करोड़ों है, और जो बड़े लोग हैं वो लोग ले रहे हैं, जो कमर्शियल या जो भी, जो एक आम आदमी जो घर बनाने का 15 लाख 20 लाख रुपए लेके जो सपना देखता है वो शहर के साइड साइड में ही ले पाएगा। हम लोग यहाँ पे, और साइड साइड में क्या होता है कि शहर के बीचों बीच में रेरा अप्रूव्ड होता है, एलडीए अप्रूव्ड होता है, शहर के बाहर जब जाएंगे तो वो जिला पंचायत से अप्रूव्ड होता है जी। तो ये यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं, जिला पंचायत स्वीकृत, मतलब ये अप्रूव्ड जमीन है जिला पंचायत से, एकदम अप्रूव्ड है। ये आवासीय में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट हो चुका है, पूरी लैंड जो है आवासीय एग्रीकल्चर से कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग एसटीपी प्लांट भी बनाने जा रहे हैं, वो बोर्ड लगा हुआ है एसटीपी का। अच्छा, ये सामने ये बोर्ड लगा। अच्छा, एसटीपी मतलब जो भी पानी निकलेगा वहीं पे जी उसको रिसाइकिल किया जाएगा, रिसाइकिल करके फिर से पेड़ पौधों के लिए भी यूज कर सकते हैं उस पानी को। तो ये है आपको जिला पंचायत अप्रूव्ड है, यानी पंचायत में ये जमीन आता है, लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में हम लोग हैं। बिल्कुल, मोहनलालगंज मार्केट कितना दूर है यहाँ से? मोहनलालगंज करीब यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर पड़ेगा सर। लखनऊ का कोई लैंडमार्क यहाँ से जो लोग जान सके कि भाई हम लोग कितने दूर हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन? मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जो रेलवे स्टेशन है वो लगभग 30 मिनट का रास्ता होता है, 25 से 30 मिनट में आप ट्रैफिक के साथ आराम से पहुंच जाएंगे। इस बाउंड्री से लगभग 50 मीटर भी नहीं होगा, सामने गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, उस साइड में देखेंगे वो राय बरेली वाला हाईवे है, यानी जो पीजीआई के सामने से जो हाईवे निकल के आ रही है उस हाईवे पे हम लोग हैं। कितना दूर पीजीआई बताया आपने? पीजीआई यहाँ से बहुत ज्यादा किलोमीटर नहीं है सर, करीब 12 से 13 किलोमीटर पीजीआई पड़ता है। मेन हाईवे से तो टाइम का पता नहीं चलता है आने जाने में, पता चल। तो ये एक्सटेंशन पार्ट है जिसके हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जस्ट वो पानी टंकी देख रहे होंगे जी, उसके सामने वो वाला प्रोजेक्ट था, और पानी टंकी के इस सामने इस साइड में ये वाला प्रोजेक्ट है। मेन रोड पे देख सकते हैं हम लोग गाड़ियां लगी हुई है जी, जो ऑलरेडी पहले की जो सरकारी रोड है वो रोड है जी, और ये पूरा काम चल रहा है। ये भी डेवलप होके सेम उसी के जैसे फूल पौधे लग के रोड वगैरह बन के फिर ये भी वैसे ही हो जाएगा। यहाँ एक बार लेआउट पे दिखाते हैं आपको, आपको नहीं ऐसे नहीं पता चलेगा कितना एरिया होने वाला है। ये लगभग सर 80 बीघा होगा, 80 बीघा यहाँ पे आके दिखाएं, ये दिखे, और इस साइड का नाम मधुबन विहार ये है, प्लान हो, इसका पूरा तैयार है, यहाँ पे लेआउट तैयार, ये जिला पंचायत के लिए भी गया हुआ है, अभी गया हुआ है अप्रूवल के लिए, ये सेम लेआउट जाके पास करा रहे हैं हम लोग। हाँ, और यहाँ पे ऑलरेडी मकाने हैं, यहाँ पे लोग घर है, यहाँ पे दिखाएं इस साइड में दिखाएं थोड़ा सा, इधर देख सकते हैं लोग है, घर है, सब कुछ है यहाँ पे, और नियरेस्ट मार्केट वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो ये क्या प्राइस होने वाला है सर? यहाँ सर, यहाँ पर हम लोग 1499 के रेट पे खोल रहे हैं, और जिला पंचायत अप्रूव्ड साइट है ये। अच्छा, 45 फीट की मेन रोड है और सभी रोड 30 फीट की है। कितने दिनों में ये चीजें दिखने लगेंगी? एक हफ्ते में सर, एक सप्ताह में सब हो जाएगा, 10-12 तारीख तक हम इसके जिला पंचायत अप्रूवल की कॉपी दे देंगे सर। बहुत तेजी से काम चल रहा है इस पे, और इस पे सर्वे वगैरह सब हो चुका है, बस हम वेट कर रहे हैं जिला पंचायत अप्रूवल का। उसी के दौरान जितनी भी रोड है सब कट के तैयार हो जाएंगी, साइट रेडी हो जाएगी। जैसे ही रोड कटेगी, जैसे ही रोड कटेगा प्लांटेशन का काम शुरू हो जाएगा, पेड़ पौधे वगैरह सब लगाना हम लोग शुरू कर देंगे इसमें जी। यहाँ पे अच्छा एक प्लस पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे रजिस्ट्री शुरू हो चुका है, लोग ले रहे हैं, बुकिंग स्टार्ट हुई है अभी कुछ दिन पहले से ही, बट ऐसा ये नहीं है कस्टमर आएंगे तो उनको कॉर्नर के प्लॉट मिल जाए, क्योंकि 80 बीघा है, कम से कम यहाँ पे 150 तो कॉर्नर ही पैदा हो जाएंगे। मैं यही प्लस पॉइंट आपको बता रहा था, बाकी सारी कंपनियों में जाएंगे तो कॉर्नर के प्लॉट लेने के लिए आपको पीएलसी चार्ज देना पड़ता है, यानी अगर 10 लाख की जमीन ले रहे हैं तो 1 लाख अलग से आपको देना होगा कॉर्नर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पद्मजा ग्रुप के किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है, सब जगह पे है कि कोई जो पहले आए सारी सबका प्राइस सेम है, जो पहले आएगा उसको कॉर्नर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये फायदा है कि जैसे ही शुरुआत हो रही है और वहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे, कॉर्नर प्लॉट मिल जाएगी आपको, मन जैसा आपको चाहेंगे, जैसा उस टाइप का कमर्शियल प्लॉट भी दे देंगे जो मेन आपको प्लॉट मिल जाएगा। और दूसरी चीज है, रेट आपको जेन्युइन लगेगी। धीरे धीरे होता क्या है, जब कोई बाउंड्री कर लिया, बगल में घर बना दिया, डेवलपमेंट बढ़ गया, तो 6 महीना बाद साल भर बाद रेटें इंक्रीज होता है, बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो चीजें आपको जब शुरुआत में इस समय जैसे अभी डेवलपमेंट काम चल रहा है उस समय डेवलपर को भी लगता है कि भाई जो रेट टू रेट इसको निकालें, कुछ चीजें आ जाएं, थोड़ा सा कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे आ जाएं, तो वो चीजें चलती रहती हैं सर। फायदा होगा आपको जब शुरू में आप आएंगे तो जी। तो बाकी क्या ऑफर स्कीम वगैरह है सर आपका? ऑफर सर अभी हम लोग जैसा कि न्यू ईयर ऑफर भी हम लोगों ने रखा है, बेसिकली इस पर हम लोग
10% का नॉर्मल डिस्काउंट देते हैं, 5% हम लोग स्पेशल डिफेंस पर्सन के लिए रखते हैं, और 10% सारी वीडियो में हम लोगों ने बताया है, पंदुजा ग्रुप के साथ विनय सर के साथ जितनी भी वीडियो बनाए हम लोग ने, आर्मी के लिए ऑफर है और हमारे व्यूअर के लिए ऑफर सब में है जी। इस बार खास मौका ये है कि न्यू ईयर में हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, तो न्यू ईयर का क्या ऑफर कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए? टोटल हम लोग 35% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसमें से मैं बता देता हूँ कैसे कैसे मिल रहा है। हम लोग 15% सभी के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं सर। इसके अलावा 10% का डिस्काउंट आपके चैनल के सब्सक्राइबर के लिए रहेगा, और बाकी 10% का डिस्काउंट स्पेशल हमने आर्मी पर्सन के लिए रखा है सर। इस तरीके से 35% का डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं सर। इसके साथ ही साथ नए साल में हम लोगों ने एक ऑफर चला रखा है कि इस पर रजिस्ट्री कॉस्ट जो आएगा वो पूरी तरीके से फ्री रहेगा, तो आप लोग जल्दी आके सर अपना प्लॉट वगैरह बुक करा सकते हैं सर। एक बार आइए, थोड़ा बहुत जो भी और फर्दर डिस्काउंट होगा वो कंसीडर करेंगे सर। यानी एक घर बनाने के लिए यहाँ पे प्लॉट 10 लाख रुपए में पूरा फाइनल प्राइस हो सकता है? बिल्कुल, 10 लाख रुपए में एक बढ़िया प्लॉट हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दे देंगे। अच्छा, रजिस्ट्री इसका कहाँ पे होगा? इसकी रजिस्ट्री मोहनलालगंज तहसील से होगी सर। ये मोहनलालगंज का क्षेत्र। कितना खर्चा आ जाता होगा लगभग उसका? 1000 स्क्वायर फीट पे यहाँ 32,000 रुपए खर्च आते हैं सर। अच्छा, इसका खारिज दाखिल वगैरह सर? अभी खारिज दाखिल मिल जाएगा, लेकिन जमीनें हम लोग आवासीय करा रहे हैं, क्योंकि हम जिला पंचायत से अप्रूवल ले रहे हैं। वो अप्रूवल तब तक नहीं देंगे जब तक कि ये जमीन एग्रीकल्चर से कन्वर्ट होकर फिर से आवासीय में ना आ जाए, तो ये मैंडेटरी है। बट ऐसा नहीं है, धारा 80 की जमीनें भी दाखिल खारिज होती हैं सर, अगर आप चाहेंगे तो करवा सकते हैं उसको। बिल्कुल, ये आपके ऊपर है। बाकी आपने देखा यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट हम लोगों ने दिखाया, दोनों साइट आपको घूम के दिखाया। सबसे अच्छी बात, यहाँ पे सब कुछ डेवलप करके, मंदिर वगैरह सारी चीजें आपको डेवलप करके मिल रही है। तो ये जब भी आप आएंगे, मैं एड्रेस यहाँ के दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल दे दूंगा, स्क्रीन पर नंबर सर का चल रहा होगा, कॉल करेंगे, कहीं से भी आप हैं विजिट कराने की सर की जिम्मेवारी है आप ले आके। लखनऊ आपको अनजान है, अगर आप दूसरे शहर से हैं, लखनऊ में रहने वगैरह की व्यवस्था सब सर देखेंगे यहाँ पे, की सारी व्यवस्था कंपनी। ये सिर्फ स्पेशल हमारे व्यूअर के लिए है भाई, आप वीडियो देख रहे हैं सीधे बताएंगे भाई हम लखनऊ आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अभी आपको किसी और शहर से होटल वगैरह कहीं करने की जरूरत नहीं है, सीधे सर को कॉल करेंगे, रहने खाने की जिम्मेवारी, घुमा फिरा के दिखाने की जिम्मेवारी सब सारी कंपनी की तरफ से रहेगी, सारा फैसिलिटी आपको देंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होने का। विद फैमिली आइए देखने के लिए, फाइनल करिए, नहीं भी फाइनल तो कोई बात नहीं, आप देखिए, देखिए हो सके भाई घूमते घूमते आपकी जमीनें हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इस रेट में मिल जाए आपको, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा, इतनी डेवलप सोसाइटी हो रही है बिल्कुल। और ये लखनऊ में पड़ता है, मेन शहर से बहुत नजदीक है, हाईवे से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, इससे बढ़िया प्राइम लोकेशन पर इतनी एमिनिटीज के साथ इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता लखनऊ में कहीं मिलेगा सर। बिल्कुल जी, काफी अच्छा लगा सर आपसे मिलके, काफी अच्छा लगा इस नए प्रोजेक्ट को देख के। और यहाँ पे कुछ भी इंक्वायरी हुआ स्क्रीन पे देगा नंबर पे आप कॉल करेंगे, बाकी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर करेंगे। और बाकी पद्मजा ग्रुप के साथ कुछ एक्सपीरियंस हो आपका, कभी आपने प्लॉट लिया हो या सर से मिले हो या कुछ दिक्कत आई हो, सारी चीजें खुलकर कमेंट में लिखिए ताकि और लोगों को भी मदद मिल सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।